भारत और मालदीव के अलग अलग दौर में अलग अलग रिश्तों का रंग देखा, लेकिन एक दूसरे का साथ मजबूती से डटे रहने का वादा दोनों ही मुल्क ने एक दूसरे का साथ किया है। यही वजह है कि जब मालदीव में भारत के खिलाफ लगातार कैंपेन चलता रहा, इंडिया आउट कैंपेन चला रहा, भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने को कहा गया, इसके बावजूद भारत ने बड़े भाई की भूमिका निभाई और अपने लिहाजे में हमेशा ही सम्यता बरकरार रखी। और आज यही वजह है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत आए हैं, वह भी भारतीय वायुसेना के विमान में बैठकर पीएम मोदी से मिलते हैं और धन्यवाद करते हैं और भारत के साथ मिलकर मजबूती से काम करना चाहते हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति भी इस बात को समझ चुके हैं कि चीनी की चौकड़े में फंसे तो बर्बाद तो होना तय है, क्योंकि कर्जा के जाल में मालदीव को उतार करार चीन फिर से उसे बंदी बनाएगा, कितने दशकों तक ऐसे ही चीन के पीछे लग्गू बना जाएगा। यही वजह है कि एक तरफ चीन को, दूसरी तरफ भारत के साथ मालदीव रिश्ता बैलेंस करना चाहता है। और इस क्रम में जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत के दौर पर आए तो उन्होंने कई अहम समझौते किए और कई अहम शुरुआत भी ऐसे जैसे मालदीव रुपए कार्ड की शुरुआत कर दी। इसके अलावा हनी माधव इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए रनवे की शुरुआत की गई। इनके अलावा 700 सोशल हाउसिंग यूनिट को बनाकर सौंपा गया। इसके अलावा और भी कई अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। इनके अलावा सीबीआई एंटी करप्शन कमीशन के बीच भी समझौता हुआ। इसके अलावा मेंबर ऑफ अंडरस्टिंग पर नेशनल जुडिशियल एकेडमी ऑफ इंडिया और जुडिशियस सर्विस ऑफ कमीशन मालदीव के बीच भी समझौता हुआ, जिसके तहत ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया जाएगा, जिससे मालदीव की न्यायिक प्रक्रिया मजबूत हो पाए। इसके अलावा मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत और मालदीव के बीच खेल कूद के क्षेत्र में भी हुई है। जिस तरह से भारत ने लगातार मालदीव की मदद की, मिलिट्री कॉरपोरेशन पर दोनों देश राजी हुई हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई है, रुपए कार्ड की शुरुआत मालदीव में हो गई है और माना जा रहा है कि अब अगली बार यूपीआई की होगी। इसके अलावा भारत जिस तरह से मालदीव के कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रा को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि भारत और मालदीव की दोस्ती आने वाले दिनों में और भी शक्तिशाली होगी और इनके जरिए भारत और मालदीव दोनों ही चीन को कंट्रोल कर पाएंगे। रिपोर्ट NSS न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए NSS न्यूज को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।